हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरवान आपका स्वागत करता हूं। कल वाला जो लास्ट हमारा लेक्चर था व्हाई डेमोक्रेसी, तो उसको हमने एक क्वेश्चन पे छोड़ा था। और शायद आपको मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और शायद आपने उसके बारे में क्वेश्चन कहीं से फाइंड आउट भी किया होगा, रिसर्च भी किए होंगे कि भाई इंडिया में अगर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र न होता तो फिर क्या होता। ठीक है, तो आज हम फर्दर डिस्कशन करते हैं इसी क्वेश्चन को लेके। यदि भारत में लोकतंत्र नहीं होता तो क्या भारत में एक साथ एज ए सिंगल नेशन हम रह पाते, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। लेट अस सम इट अप। चलो अब हम इसको समराइज करते हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं देती और न ही ये सभी समस्याओं का हल है, बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन हमें यह तो स्पष्ट तौर पे पता है कि यह बाकी जितने भी हमारे पास सरकार के अल्टरनेटिव यानी कि ऑप्शंस हैं उनसे बेटर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन। एक तो ये क्या करती है, हमें ऑफर करती है अच्छे डिसीजन लेने का। ठीक है, इट इज़ क्लियरली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज, और जो कि इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट, और यह यहाँ पे लोगों की अपनी इच्छाओं की भी यहाँ पे रिस्पेक्ट रहती है। अलाउड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, और अलग अलग प्रकार के लोगों को एक साथ रहने की भी इसी में पॉसिबल है लोकतंत्र में। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउ ए वे ऑफ करेक्टिंग। यदि अगर ये बातें जो हमने ऊपर डिस्कस की है कि एक साथ रहते हैं लोगों के, अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं और उनकी जो रिस्पेक्ट भी होती है लोगों की, अगर यह न भी हो ये बातें, तो भी यह हमें परमिशन देती हैं करेक्टिंग इट्स वे इट्स मिस्टेक, और इसके अंदर जो भी गलतियाँ होती हैं उनको ठीक करने का भी हमें रास्ता देती है, मौका देती है। ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स, और हर नागरिकों को और भी ज़्यादा क्या देती है, रिस्पेक्ट देती है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसी वजह से डेमोक्रेसी को हर सरकार अन्य सभी सरकारों से अच्छी सरकार माना जाता है। यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल दे रहा है कार्टून में, वी वोटर्स एंग्री एंड वर नॉट गोइंग टू टेक इट एनीमोर। कि देखो हम जो वोटर्स हैं, यहाँ पे वोटर्स के ये कार्टून में बता रहा है कि जो कार्टून है ये वोटर है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में और ये वोट नहीं डालेगा। एंड द लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट, और जो लिबरल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, एरोगेंट है, यानी कि बड़े ही गुस्से में रहते हैं। दे हैव ब्रोकन आवर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, और उन्होंने हमारा जो सरकार के प्रति जो हमारा विश्वास था उसको उन्होंने तोड़ा है। एंड दे स्टोल आवर मनी, उन्होंने हमारा पैसा चुराया है करप्शन के थ्रू। एंड सो ऑन June 25th वी आर गोइंग टू डू वट कनाडन्स डू बेस्ट, तो क्या बेस्ट कर सकते हैं इसके लिए हम, कनाडियन बेस्ट, एंड वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन, तो हम उनसे क्या है वोट, जो कनाडियन है वो क्या कर सकते हैं, तो हम उनको वोट देंगे। तो यहाँ पे ये सारी बातें पॉसिबल तभी तो है जब इंसान, जब लोगों को वोट डालने का अधिकार है। तो राजेश एंड मुजफ्फर रीड एन आर्टिकल। राजेश और मुजफ्फर दोनों वो एक आर्टिकल, एक लेख को पढ़ रहे हैं। एंड इट्स सो दैट नो डेमोक्रेसी हैज एवर गोन टू वॉर विद अनदर डेमोक्रेसी, और यह दिखाता है कि कोई भी लोकतंत्र कभी भी दूसरे
लोकतांत्रिक देश के साथ उसका युद्ध नहीं हुआ है। वॉर्स टेक प्लेस ओनली व्हेन वन ऑफ द टू गवर्नमेंट इन नॉन डेमोक्रेटिक है, यानी कि युद्ध भी तभी होता है जब दो देशों की सरकारों में से कोई एक सरकार नॉन डेमोक्रेटिक है। द आर्टिकल सेड दैट दिस वाज ए ग्रेट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और यही आर्टिकल हमें यह बताता है कि यही एक महान लोकतंत्र के गुण है। आपने देखो इंडिया पाकिस्तान के जब जब भी वॉर हुए उस टाइम पे क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या क्या मिलिट्री रूल आ गया, यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक क्लास वो आई है वहाँ पे गवर्नमेंट, और अपने यहाँ इंडिया में तो है डेमोक्रेसी रही है हमेशा से। तो इसलिए वॉर का रीज़न भी यही बनता है कि जब कोई एक गवर्नमेंट क्या हो जाती है, नॉन डेमोक्रेटिक है। आफ्टर रीडिंग द एसे राजेश एंड मुजफ्फर हैड डिफरेंट रिएक्शंस, और यह पढ़ने के बाद राजेश का और मुजफ्फर का रिएक्शन है, उसकी प्रतिक्रिया ही उन दोनों की अलग हो जाती है। राजेश सेड दैट दिस वाज नॉट ए गुड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, राजेश कहता है कि यह लोकतंत्र के पक्ष में अच्छी दलील नहीं है। इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ चांस, यह तो केवल एक मौके की बात है। इट इज़ पॉसिबल दैट इन फ्यूचर डेमोक्रेसीज मे हैव वार्स, यह संभव भी है कि भविष्य के लोकतंत्रों में युद्ध भी हो सकते हैं। मुजफ्फर सेड दैट इट कुड नॉट बी ए मैटर ऑफ चांस, मुजफ्फर कहते हैं हाँ यह है मैटर ऑफ चांस, यानी कि मौके की बात तो नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी टेक डिसीजन इन सच ए वे दैट इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वॉर, क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय इस प्रकार से ले जाते हैं कि वो युद्ध के कारणों का या युद्ध के अवसरों का ये क्या कर देती है, मौका ख़त्म कर देती है। सो विच ऑफ द टू पोजिशन डू यू एग्री विद एंड वाई, तो ऐसी कौन सी दो पोजिशंस हैं, दो अवस्थाएं हैं जिस पे आप सहमत होते हो और क्यों। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक व्याप्त व्याप्त मतलब है। हाँ जी, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स क्या है, लोकतंत्र का वृहत मतलब, यानी कि लोकतंत्र का बड़े मायनों में यानी कि व्याप्त क्षेत्र में मतलब क्या है। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव में सेंस, यहाँ पर हमने अब तक लोकतंत्र के मीनिंग को हमने माना था किसका मतलब सीमित ही है, और सीमित और साथ ही साथ में इसका डिस्क्रिप्टिव यानी कि उसका वर्णनात्मक सेंसेस में, यानी कि उसको समझा हमने वर्णनात्मक रूप से। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें यह समझ में आ गया कि लोकतंत्र क्या है, एक सरकार का रूप है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स, और यही जो तरीका है लोकतंत्र को परिभाषित करने का हमें हेल्प करता है, सहायता करता है पहचानने में अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर, और उसके जो उसके छोटे छोटे विशेषताएं हैं उनको क्लियरली समझने का। दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट है, जो कि एक लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट, और सबसे आम जो रूप है लोकतंत्र का जो होता है हमारे समय में वो क्या है, इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि प्रतिनिधियों की लोकतंत्र। देखो वैसे तो लोकतंत्र का हम क्लियर मीनिंग यही देखते हैं कि भाई सिंपल डेफिनेशन में हम बोलते हैं लोगों का, लोगों के द्वारा शासन, लेकिन सभी लोग तो शासन नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है आज के टाइम में, हमारे मॉडर्न टाइम में, तो कैसा लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि नेताओं के द्वारा ही क्या होता है लोकतंत्र चलाया जाता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इज द प्रीवियस क्लासेस, और यह आपने पहले से ही प्रीवियस क्लासेस में यानी कि पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था।
In the countries we call democracy, all the people do not rule. जिन देशों में हम बोलते हैं कि लोकतंत्र है, हम तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे शासन नहीं करते. Majority allowed to take decision on behalf of all the people. और जो मेजोरिटी होती है यानी कि बहुमत होता है, वही परमिशन देता है लोगों को क्या करने का, डिसीजन लेने का, लोगों के हित में डिसीजन लेने का. यानी कि वही तो दल, वही उसी दल का नेता तो डिसीजन लेता है जिसके पास मेजोरिटी होती है. इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली. और फिर भी जो मेजोरिटी होती है इनकी, जो ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं, वो डायरेक्टली रूल नहीं करते. द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और जो लोगों का यानी कि एक पक्ष में लोग अगर हो भी जाते हैं तो वो डायरेक्टली शासन नहीं करते. वो क्या करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी कि अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं, वो चुनते हैं और उनके द्वारा शासन करते हैं. दिस बिकम नेसेसरी. और यह आवश्यक भी हो जाता है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. क्योंकि आज के आधुनिक लोकतंत्र में इतने ज़्यादा लोगों की संख्या होती है दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर, जिससे कि शारीरिक तौर पे सब बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि सब मिलके वहाँ पे इकट्ठे हो और टेक ए कलेक्टिव डिसीजन, और सब मिलके एक निर्णय लें. इवन इफ दे कुड, यदि वे होते भी हैं तो द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम. लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता, द डिज़ायर और स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन, और न ही उनकी इच्छाएं होती हैं और न ही इतना उनके अंदर टैलेंट होता है कि वो सभी निर्णय में भागीदारी करें. दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. और यही हमें क्या देता है, स्पष्ट और लोकतंत्र के क्या करता है, लोकतंत्र की स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ देता है. दिस क्लियरली हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज. और यही हमें हेल्प करता है लोकतंत्र को अन्य गैर लोकतांत्रिक सरकारों से भिन्न करता है. बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी. लेकिन यह हमें यह अलाउ नहीं करता कि इससे हम अच्छे लोकतंत्र और लोकतंत्र के बीच में हम अंतर को स्पष्ट कर सकें. इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट. यह हमें यह भी अलाउड नहीं करता कि हम लोकतंत्र के कार्य को देख सके सरकार से ऊपर होके भी. फॉर दिस वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. और इसके लिए कि लोकतंत्र किस प्रकार से काम करता है, इसके लिए हमें इसको और भी व्यापक तौर पे लोकतंत्र को समझना पड़ेगा. Sometimes we use democracy for organization other than the government. कई बार हम लोकतंत्र को एक संगठन के तौर पर यूज करते हैं बजाय उसके किसी अन्य सरकार के. Just read these statements. जरा इन statements को पढ़ के देखो. We are a very democratic family. हम एक बहुत ही democratic यानी कि लोकतांत्रिक परिवार है. Whenever a decision has to be taken, जब भी कोई decision लिया जाता है, we all sit down, हम बैठते हैं, and arrive at a consensus, और फिर एक सहमति पे आते हैं. My opinion matters as much as my father's, और मेरी जो राय होती है वो उतनी जैसे मेरे पिताजी की होती है, ऐसी ही मेरी राय होती है वहाँ पे. Second, I don't like teacher who do not allow students to speak. मुझे वो टीचर पसंद नहीं है जो बच्चों को बोलने की अनुमति नहीं देते. And ask question in the class, जो question क्लास में पूछे जाते हैं. यानी कि मुझे ऐसे टीचर अच्छे लगते हैं क्लास में जो बच्चों से को तो बोलने की अनुमति नहीं देते और खुद question करते रहते हैं. I would like to have a teacher with democratic temperament. तो मुझे ऐसे टीचर चाहिए जिनका स्वभाव कैसा हो, लोकतांत्रिक, यानी कि जिनके लिए सभी समान हो. थर्ड, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी. और एक पार्टी में एक लीडर और उसके फैमिली के सदस्य ही सब कुछ डिसाइड करते हैं यानी कि निर्णय लेते हैं.
हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो लोकतंत्र के बारे में कैसे बातें कर सकते हैं। दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ ए मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, यही वो तरीके हैं कि लोकतंत्र जो शब्द है वो इसके काम निर्णय लेने के तरीकों के पीछे वाली जो सेंस है उसको भी समझता है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन, एक लोकतांत्रिक जो निर्णय होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, कंसल्टेशन होते हैं, सलाह मशवरा होता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल दिस हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन, उन सब लोगों की सहमति से जो कि उस निर्णय से प्रभावित होंगे। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल, यानी कि वो व्यक्ति भी जो कि पावरफुल नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, उनकी भी निर्णय में सेम क्या होती है, भागीदारी होती है जैसे जिन उनके साथ जो कि पावरफुल है, यानी कि ताकतवर और जो कमज़ोर हैं वो दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, और यह है किसी सरकार के लिए, किसी फैमिली के लिए और अन्य कोई भी संगठन है, उन दोनों में, उन सभी में अप्लाई होता है। दस डेमोक्रेसी इज ए ऑल्सो ए प्रिंसिपल, तो इस प्रकार लोकतंत्र एक सिद्धांत भी है, दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, जो कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम उसको लागू कर सकते हैं। समटाइम्स वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, कई बार हम डेमोक्रेसी वर्ड को किसी सरकार को वर्णित करने के लिए नहीं यूज करते, बट टू सेट अप ए आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसी मस्ट एम टू बिकम, लेकिन उसको हम यूज कर देते हैं, यानी कि सेटअप कर लेते हैं एक आदर्शवादी, एक लोक आदर्शवादी सिद्धांत के तौर पे उसको हम रखते हैं लोकतंत्र वर्ड को, जो कि अन्य सभी लोकतांत्रिक सरकारों के उद्देश्य होते हैं ऐसा बनना। ओके, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड, सच्चा लोकतंत्र तो तभी आएगा इस देश में जब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। सेकंड, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग, और लोकतंत्र में हर नागरिक के पास क्या होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि उसको समान भूमिका होनी चाहिए निर्णय को लेने में। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट इक्वल राइट टू वोट, इसके लिए केवल तुम्हें यही नहीं है कि सिर्फ लोगों को एक समान मताधिकार दिया जाए। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, हर नागरिक के पास आवश्यक है कि उसको क्या होनी चाहिए, समान तौर पे क्या मिलनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए उसके पास, समान तौर पे संसाधन होने चाहिए एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट, और भी बहुत सारे जो कमिटमेंट है वो भी होने चाहिए। ठीक है, इफ़ वी टेक दीज आइडियल सीरियसली, यदि हम इन सभी आइडियल्स को, इन आदर्शों को हम सीरियसली गंभीरता से लेते हैं तो देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज डेमोक्रेसी, तो फिर कोई भी संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे संसार में लोकतंत्र नहीं होगा। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड अस टू वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी, अब हम लोकतंत्र की समझ के लिए हमें जो याद दिलाता है आदर्श की, एक आदर्श अस टू वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी, तो हम लोकतंत्र को इतनी वैल्यू यानी कि इतनी महत्ता क्यों देते हैं। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, यह हमें काबिल करता है लोकतंत्र के जो वर्तमान का जो लोकतंत्र है उसको जज करने के लिए, एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस, और उसकी कमजोरी को पहचानने के लिए। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी, और यह हमें सहायता करता है अंतर स्पष्ट करने के लिए कि कम से कम लोकतंत्र और अच्छा लोकतंत्र क्या है।
In this book, we do not deal much of this expanded notion of democracy. इस किताब में हमने अच्छे से लोकतंत्र के व्यापक विचार को बारे में हमने नहीं ज़्यादा बात नहीं की. Our focus here is with some core institution. यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो कुछ मुख्य संस्थाओं के ऊपर है जिनके अंदर जो फीचर्स विशेषताएं हैं किस चीज़ की डेमोक्रेसी का, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि एक सरकार के रूप में. नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी. अगले साल आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लोकतांत्रिक समाज के बारे में पढ़ेंगे. एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग आवर डेमोक्रेसी. और फिर वहाँ पे देखोगे हम अपने लोकतंत्र को क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे. एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट द डेमोक्रेसी. इस समय हम सिर्फ केवल डेमोक्रेसी की आवश्यकता के ऊपर ही ध्यान देंगे. एंड कैन अप्लाई टू मैनी स्फीयर ऑफ लाइफ. और क्या हम उसको जीवन के अन्य पहलुओं में या अन्य क्षेत्रों में उसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं. दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म. जो लोकतंत्र अन्य बहुत सारे रूप ले सकता है. देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिक मैनर. और बहुत सारे लोकतंत्र में बहुत सारे निर्णय लेने, लोकतांत्रिक वे से बहुत सारे निर्णय लिए जा सकते हैं. एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन, जिसका कि जो मुख्य जो आधार है, सिद्धांत है, वो क्या है, कंसल्टेशन का, विचार विमर्श का. एंड इक्वल बेसिस, और समानता के आधार पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है आज के समय में जो आम लोकतंत्र है, वो क्या है, पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि योग के द्वारा जो शासन है, वही क्या है, आज के टाइम का लोकतंत्र है. वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर थर्ड. और यही हम चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे इसके बारे में और ज़्यादा. बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल, यदि समुदाय कोई छोटा है, देयर कैन बी अदर वे ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन. वहाँ पे लोकतांत्रिक निर्णय लेने के अन्य भी तरीके हो सकते हैं. ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर, और सभी लोग एक साथ बैठ सकते हैं. टेक डिसीजन डायरेक्टली, और वो प्रत्यक्ष तौर पर निर्णय भी ले सकते हैं. दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन ए विलेज. और यही ऐसे गांव की ग्राम सभाएं होती हैं, गांव में वो निर्णय लेते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन. क्या आप इसके अलावा और भी कोई अन्य तरीके हैं जो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं. आज के लिए यही है, बाकी हम कल पढ़ेंगे. ये कार्टून को रीड करना आपने, आर के लक्ष्मण के द्वारा जो कार्टून दिया गया है. ओके, गुड.